श्री गुरु परंपरा मेरा भेद स्वभाव तनय वृंदावन सामने ऐसा रख ले वास्ते ले सीधे खड़ो फोटो खींच सामने हमारी जब बने हो तुम थोड़ी पब्लिक भी हूँ जब अच्छी हुए मैं पब्लिक इन्हों जाकर जब अच्छे बने नहीं उस तरीके से जैसे कल बने थे बना दो आवाज़ भी नहीं बढ़ी है ट्रेवलिंग जरूर थे सही जरूर थे उसे कह दो कि मतलब बना उतरा हम लगे हैं a
आदत है ऐसे मोबाइल पकड़ दी, किसी को मोबाइल पकड़ दी नहीं खोल दी। अभिनंदन करते हुए समुपस्थित
समस्त श्रोताओं के हृदय में बैठे अपने माधव का अभिनंदन। आइए सर्वप्रथम भगवान राम संकीर्तन, उसके बाद भगवान की मंगलमय चर्चा का श्रवण। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, thank you।
आपकी बात मानो ना मानो खुशी आपकी बात मानो ना मानो खुशी आपकी हम साथ में चल संपत्ति जोड़ धरी जिन बहुतक संपत्ति जोड़ धरी उनको कहिए न धनी न धनी और जिन विद्या परमान गुमान कियो जिन विद्या परमान गुमान कियो उनको कहिए न गुनी न गुनी उनको कहिए न गुनी न गुनी और जो नहीं नारी पति व्रत है जो नहीं नारी पति व्रत है उनको कहिए न जनी न जनी उनको कहिए न जनी न जनी जिनकी न बनी रघुनंदन से जिनकी न बनी रघुनंदन से इन और किसी से बनी न बनी इन और किसी से बनी न बनी आज चतुर्थ दिवस और नित्य अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार आपको यही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस मानव तन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति इनके प्रकार हमें भगवत प्राप्ति करना है क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मानव तन हमें मिला है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर वैकुंठ प्रिय दर्शन का दुर्लभो मानसो देहो ये मानव तन जो आपको मिल गया है ये अति दुर्लभ है। ये मानव तन कैसा है कहा बड़ा दुर्लभ है ऐसे ही ये मानव तन नहीं मिलता। तिरासी लाख 99,999 जो योनियां हैं वो सबकी सब भोग योनियां हैं केवल एक मानव तन है जिसे कर्म योनि कहा गया। तो हमें ये मानव तन मिला है तो हमारे कर्म से तो हमें मिला नहीं है क्यों क्योंकि अन्य जो योनियां हैं उसमें कर्म का तो कोई है तारत ही नहीं है उसमें कर्म तो किया ही नहीं जाता। तो हमारे कर्म के बल से ये हमें मानव तन नहीं मिला है ये मानव तन तो बड़ा दुर्लभ है और हमें मिल गया मिला कैसे कब हूं की करी करुणा नर दे करुणा
करी करुणा करते करुणा कर्ण हृदय ही। जब हम 83,99,999 योनियों में भटक रहे थे और नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे थे, तब कभी उस दीन दयाल की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। उसने हमें कष्टों को भोगते हुए देखा और वो करुणा निधान है, वो दीन दयाल है। जब कष्टों में हमें देखा तो कब उनकी करुणा कर्ण हृदय ही, उसे हमारे ऊपर दया आ गई, करुणा आ गई और नर देगी। उस परब्रह्म परमात्मा ने हमें ये मानव तन दे दिया है। देत ईस बिनु हेतु सनेही, और उस परमात्मा ने ये मानव तन दिया तो आप कहो तो उसका कोई कारण होगा है, उसका कोई स्वार्थ होगा। तो उस परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है। बिनु हेतु सनेही, बिना किसी कारण के, केवल अपनी करुणा के कारण उसने ये मानव तन हमें दिया है। तो भगवत कृपा से यदि मानव तन मिल गया तो हम कुछ ऐसा करें कि पुनः उन भोग योनियों में, उन कष्ट योनियों में हमें न जाना पड़े। आज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि भगवान, कल सायंकाल के प्रसंग में आपने उपदेश किया था कि महाराज मनु के दो पुत्र हैं, गुरु जी आपने कल उत्तानपाद की कथा तो सुनाई लेकिन प्रियव्रत महाराज की कथा को नहीं सुनाया। तो मैं जानना चाहता हूं ये प्रियव्रत के बारे में। सुखदेव जी ने कहा, राजन प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। राजा प्रियव्रत ने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। राजा विचार करते हैं कि सुबह सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्य अस्त होता है तो अंधकार हो जाता है, और मैं कुछ ऐसा करूंगा कि कभी अंधकार होगा ही नहीं, 24 घंटे प्रकाश रहेगा, निरंतर प्रकाश बना रहे, मैं कुछ ऐसा करूंगा। महाराज प्रियव्रत ने विशाल घोर तप किया और उस घोर तप से ऐसे रथ को प्राप्त किया कि उस दिव्य रथ को लेकर वो भगवान सूर्य के पीछे पीछे चलते। जहाँ सूर्य रहते हैं वहां दिन रहता है, और जहां से सूर्य निकल जाए तो वहां रात्रि हो जाती है। लेकिन महाराज प्रियव्रत का रथ भगवान सूर्य के पीछे पीछे चलता तो कहीं भी रात्रि नहीं होती, 24 घंटे प्रकाश है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान यदि रात नहीं होगी तो सृष्टि का क्रम तो गड़बड़ा जाएगा, सृष्टि की व्यवस्था तो ऐसा भंग हो जाएगी, दिन और रात से ही तो ये सृष्टि चलती है। तो ब्रह्मा जी के समझाने पर महाराज प्रियव्रत ने उस रथ को रोका। ये जो हमारी पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं, ऐसा कहते हैं कि प्रियव्रत महाराज के रथ के चक्कों से जो गड्ढे बने वो गड्ढे ही 7 समुद्र के रूप में परिवर्तित हो गए। महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के बेटा हुए नाभी, और इन्हीं नाभी के पुत्र हैं श्री ऋषभ देव। मैंने एक दिन और आपको बताया था, हमारे जैन भाई जिन्हें अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, भगवान नारायण के 8वें अवतार हैं भगवान श्री ऋषभ देव। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी के यहाँ 100 पुत्र थे, और समय समय पर श्री ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को सामने बैठाते और उन 100 पुत्रों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन महाराज ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सामने बैठाया और उनसे प्रश्न कर रहे हैं। ऋषभ देव जी पूछते हैं, बेटा
तुम सब बड़े हो गए हो, युवा हो गए। मैं एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहता हूँ। बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए। तो राजा ने पूछा कि बेटा, ये शरीर तुम्हें जो मिला है, तो ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? तो सब पुत्रों ने कहा, प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट संभालते हैं, फिर शाम को चौपड़ खेलते हैं, फिर नृत्य संगीत करते हैं, भोजन करते हैं, और रात्रि में सो जाते हैं, और सुबह हुआ तो फिर आरंभ हो गए, खाना पीना खेलना कमाना और सोना। इसीलिए ये मानव तन हमें मिला है। तो ऋषभ देव ने कहा कि नहीं, इसलिए ये मानव तन हमें नहीं मिला। नायम देहो देह भाजन लोके कष्टं कामं अर्हते विनभुजान्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्मसौख्यं कणन्तं। बेटा, नायं देहो देह भाजां लोके, ये शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने को नहीं मिला, बल्कि तपो दिव्यम पुत्र गायन सत्वम, ये मानव तन हमें मिला है, तो इस शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्म सौख्यम तदन्यम, इस शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए। बेटा, प्रातः काल उठकर स्नान करना है, स्नान करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। और गृहस्थों को तीन बातें जरूरी है। पहली बात, हम जब भी घर में घर बना रहे हैं तो उस घर में मंदिर जरूर होना चाहिए। घर में जब हम नए घर का निर्माण करते हैं तो उस निर्माण के समय घर में जो सबसे सुंदर स्थान है, उस स्थान पर हमें एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि बिना मंदिर के घर शमशान की तरह। तो घर में मंदिर होना अनिवार्य है। और घर में मंदिर में भगवान की मूर्ति बैठी है, ऐसा भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हमारे घर के मंदिर में साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान है, साक्षात भगवान विराजमान है, ऐसे मन का भाव होना चाहिए। और हमारे घर में भगवान बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, जब ऐसा विचार होगा, जब ऐसा भाव होगा, तो घर में हम वही बनाए जिसका हम भगवान को भोग लगा सकें। जिस जो भगवान को अर्पण किया जाए वही हम घर में पकाएं, वही बनाएं, और भगवान को भोग लगाए बिना कभी भी हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। तुम ही समर्पित भोजन कर, हम जो भी खाएं हैं, जो भी पकाएं, खाने से पहले भगवान को अर्पण कर लें। क्यों? भुंजते तेक भम पापा ये पचन्त्यात्म कारणम। जो बिना भगवत अर्पण किए हम खाते हैं तो वो भोजन नहीं करते, वो हम पाप खाते हैं। तो सबसे पहले भगवत अर्पण करो, और भगवान को अर्पण करने के बाद फिर हम भोजन करें। हरिद्वार में हमारे गुरु जी का आश्रम है, दीक्षा गुरु, और हरियाणा से एक माता जी वहाँ आया करते थे। कभी कभी हम एक दो महीने वहाँ रहते थे पहले, तो हरियाणा की एक माता जी आया करती थी। और हरियाणा की जो वेशभूषा है, तो वहाँ कुर्ता पजामा जैसे स्त्रियाँ पहनती हैं। तो माता जी एक बार आई, गुरु जी ने कहा, जाओ बेटा माता जी को जल ले आओ। हम जल लेकर आए, माता जी जल पी लीजिए। तो माता जी ने जेब में हाथ डाला और जेब से सालेग्राम जी निकाले,
और गिलास से शालिग्राम जी को स्पर्श कराया और बोली ठाकुर जी जल पी लो। और उसके बाद फिर उन्होंने जल किया। थोड़ी देर बाद हम चाय लेकर आए, उन्होंने फिर जेब से शालिग्राम जी निकाले और उस चाय के गिलास में ठाकुर जी को स्पर्श कराया, लो ठाकुर जी चाय पी लो। और उसके बाद फिर चाय पी। 24 घंटे वो माता जी वहां रुकी। उन्हें आप बिस्किट दें, नमकीन दें, भोजन दें, नाश्ता दें, जो भी उनको दिया जाता वो जेब में ही रखी रहती थी और जेब से निकाले और लो ठाकुर जी नाश्ता कर लो, लो ठाकुर जी भोजन कर लो। तो ऐसा भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। हम जो भी खाएं, जब भी खाएं, भगवत अर्पण करने के बाद खाएं। पहले भगवान को अर्पण करें और उसके बाद वो हम खाएं। बेटा महत सेवा द्वार माहुर विरक्ते तमो द्वारं योसिनां संधि संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा साधु। महापुरुषों की सेवा करें यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, ये मुक्ति पथ का द्वार है। संतों की सेवा कौन करता है? वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की। बेटा संतों की सेवा करो। जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु है। आपकी अंतर पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करे वो साधु है, वो संत है। संतों की सेवा करें। संत कैसा हो, ऐसा न हो कि हम तो संत की सेवा कर रहे हैं और संत को हमारी पीड़ा दिखाई ही नहीं देती है। एक प्रसंग याद आता है, एक चेला गुरुजी की सेवा कर रहा था, चरण दबा रहा था गुरुजी को। रात के 8 बज रहे होंगे, चेला गुरुजी की चरण सेवा कर रहा था। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल नाम है। कितने भाई हो? 4 भाई हैं। क्या करते हो? सारा परिचय गुरुजी ने उस शिष्य का दिया। अब लगभग 1 घंटे तक उसने पैर दबाए और उसे लगा कि शायद गुरुजी सो गए। तो वो जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ माता पिता है कि नहीं? तो वो फिर चरण दबाने लगा। ये तो अभी जाग रहे हैं। चरण दबाते दबाते लगभग 11 बज गए। उसे लगा कि शायद गुरुजी सो गए और वो जाने लगा। वो जैसे ही जाने लगा तो फिर गुरुजी ने आवाज लगाई, अच्छा ये बताओ तुम करते क्या हो? वो फिर लौट गया। नहीं, गुरुजी तो अभी जाग रहे हैं। लगभग 8 बजे से 12 बजे तक वो लगा है चरण सेवा करने में। अब गुरुजी को तो पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है, ये थक गया होगा। 12 बजे गुरुजी उसे लगा कि सो गए। वो फिर जाने लगा तो गुरुजी ने फिर पूछा, कौन भैया तुम कितने भाई हो? भूल गए, ये प्रश्न कर चुके थे लेकिन गुरुजी भूल गए क्योंकि 4 घंटे हो गए। तो उसने कहा कि हम 3 भाई हैं। अब गुरुजी को याद आया कि मैंने एक बार ये पूछा था तो इसने कहा था कि हम 4 भाई। बहुत
था पूजा भी करो। हाँ जी जिस ब्याज के परिवार गए अलग गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु जी ने पूछा कि बेटा तुम कितने भाई हो। वो जाने वाला था फिर लौट के चरण दबाने लगा और चरण दबाते हुए बोला कि गुरु जी हम तीन भाई हैं। तो गुरु जी ने कहा बेटा 8 बजे तो तुम कह रहे थे कि हम 4 भाई हैं, अब तुम कह रहे हो कि हम 3 भाई हैं। तो उसने कहा गुरु जी यदि ऐसे ही हम रात भर आपकी सेवा करते रहेंगे तो 3 ही बचेंगे, हम तो बच नहीं पाएंगे। तो कहने का भाव संत कौन है जो आपकी अंतर पीड़ा को समझे और आपकी अंतर पीड़ा की निवृत्ति करने का प्रयत्न करे। है हम तो गुरु जी की सेवा में लगे हैं और गुरु जी को हमारा कष्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऋषभ देव जी पुत्रों से कहते हैं बेटा महत सेवा, महात्माओं की सेवा करो, संतों की सेवा करो, क्योंकि संत सेवा ही मुक्ति का द्वार है। संत सेवा ही भगवत प्राप्ति करा सकती है। संत का सानिध्य यदि जीवन में मिल गया और सच्चा सदगुरु मिल गया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। यदि सच्चा सदगुरु जीवन में मिल जाए तो लोभ मोह काम क्रोध सब कुछ त्याग कर है और उस संत की सेवा करो। ऋषभ देव जी पुत्रों को सुंदर उपदेश देकर और जंगल में चले गए, एकांत में जाकर भगवत भजन करने लगे। ऋषभ देव जी के 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त होकर वन में चले गए। बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भरत, जो राज्य सिंहासन पर बैठे हैं और बड़े सुंदर तरीके से अपने राज्य को चलाते हैं। एक दिन भरत जी ने अपने मन में विचार किया मेरे पिता कितने महापुरुष हैं, कैसा इनका आदर्श है और एक मैं हूँ जो संसार में पड़ा हूँ। संसार में रहना बुरी बात नहीं है लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ये बुरी बात है। भरत जी कहते हैं देखो मेरे भाई कितने भाग्यवान हैं, सबके सब विरक्त हो गए और भगवत भजन कर रहे हैं और मैं इस मोह माया के चक्कर में फंस गया। तो उसी दिन भरत जी ने अपने पुत्र जिसका नाम है सुमति को राज्य गद्दी पर बैठाया और भरत जी चले गए गंडकी नदी के तट पर। दामोदर कुंड है नेपाल में गंडकी नदी के तट पर। तो उस दामोदर कुंड पर भरत जी ने एक झोपड़ी बनाई और उस कुटिया में रहकर भरत जी नित्य भगवत भजन करने लगे। एक दिन की बात है राजर्षि भरत नदी में स्नान कर रहे थे और उसी समय भरत ने देखा कि गर्भिणी गिरणी नदी के तट पर जल पी रही थी। उसी समय एक सिंह दहाड़ता है और जैसे ही सिंह ने दहाड़ा तो सिंह की दहाड़ को सुनकर उस गर्भिणी गिरणी ने नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई और जब वो छलांग लगाती है तो बीच नदी में उसका गर्भस्थ शिशु जन्म ले लेता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक तो सिंह का भय, दूसरा नदी को पार करने का परिश्रम और तीसरा उस बालक के जन्म लेने का प्रसव की पीड़ा, तो इन तीनों के कारण वो गर्भिणी हिरणी अपने प्राणों को त्याग देती है, वो हिरणी मर जाती है। और जब उस हिरणी को भरत जी ने देखा कि वो मर गई और उसका नवजात शिशु नदी में बह रहा है तो भरत जी के हृदय में दया आ गई, करुणा आ गई, क्योंकि संत करुणावान होता है। तुरंत नदी में कूदे और उस हिरण के श्रावक को उठाया, नदी के तट पर लाकर लकड़ियों को पत्तों को जलाकर उस ठंड के कारण कांप रहा था और उसे गर्मी प्रदान करते। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये ठीक था, भरत जी ने उसके प्राण बचाए लेकिन
करना ये था कि भरत जी ने जब उसके प्राण बचा लिए, वो स्वस्थ हो गया, तो भरत जी को चाहिए था कि वो किसी हिरणों के झुंड में उस हिरण के श्रावक को छोड़ दें। लेकिन भरत जी अब उसे छोड़ते नहीं, बोले जो भरत दिन में 100 माला किया करते थे, 1 माला करने लगे, 1000 माला जो भरत जपा करते थे, अब वो मालाओं को छोड़कर उस हिरण की सेवा में लग गए। सुबह से शाम तक उस बच्चे की सेवा करते हैं, और कभी माला लेकर बैठ ही जाए और पीछे से वो हिरण का बच्चा आता, अपने सींग से भरत जी को खुजली करता, तो माला छोड़ देते और उस हिरण के शावक को गोद में लेकर बैठ जाते। आ, मुझे अपनी माँ मानता है, मुझे अपना पिता मानता है, मेरे सिवा इसका है ही कौन। आए थे हरि भजन को ऊटन लगे कपास, जिस मोह को त्याग कर आए थे, जिस संसार को छोड़कर आए थे, उसी मोह में उसी संसार में भरत जी फिर फंस गए। एक दिन हिरणों का झुंड आया और उस झुंड में वो हिरण का श्रावक भाग गया। सुबह से शाम हो गई, रात देखते देखते, लेकिन जब वो लौट कर नहीं आया तो भरत जी सोचते हैं पता नहीं किसी हिंसक प्राणी ने, किसी शेर ने तो उसे नहीं खा लिया, किसी भालू ने तो उसे नहीं मार दिया, वो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, जरूर किसी जंगली हिंसक जीव ने उसकी हत्या कर ली, उसे मार दिया। और हिरण का चिंतन करते करते भरत जी अपने प्राणों को त्याग देते। हिरण के चिंतन को करते करते भरत जी ने प्राणों को त्यागा, इसलिए दूसरे जन्म में भरत जी को हिरण बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम अंत में जिसका चिंतन करते हैं हमें उसकी प्राप्ति होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही जन्म जन्मांतरों से ऋषि महात्मा मुनिगण यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकले, लेकिन अंत राम कहियावत नाही। भगवान की ऐसी माया है कि अंतिम क्षण इस मुख से, इस जीवा से भगवान का नाम नहीं आता है। और दूसरा अर्थ है जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतरों से मुनि ऋषि महात्मा यत्न करते हैं और उस यत्न का परिणाम क्या निकलता है कि अंत राम कही, अंतिम क्षण में वो राम कहते हैं, राम कही पुनि आवत नाही, फिर संसार में लौट कर नहीं आते, क्योंकि राम का नाम लेकर जो मरते हैं उन्हें यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममो, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भरत जी अंतिम क्षणों में एक हिरण का चिंतन करते हुए मरते हैं, तो उन्हें दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म में इतना तप किया था तो उस तप के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही है। मैं एक राजर्षि भरत था और एक हिरण के मोह में पड़कर मैं फिर संसार के चक्कर में भटक गया। तो हिरण के देह में रहते हुए भी भरत जी बड़ा भजन करते, हिरणों के झुंड से दूर रहते हैं, सूखी घास को खाते। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे के सारे हैं जंगली जीव जंतु भाग गए, लेकिन भरत रूपी हिरण वहां से नहीं भागा और उस जलती हुई आग में भगवान नाम चिंतन करते हुए उसने अपने देह को त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन तीसरा जन्म भरत जी का हुआ आंगिरस कुल के ब्राह्मण कुल में,
आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण कुल में तीसरा जन्म भरत का हुआ और जन्म लेते ही बालक के मस्तिष्क की रेखाओं को उसके पिता ने देखा। ये बड़ा विद्वान होगा, ये महान विद्वान होगा, नाम रख लिया भरत। 5 वर्ष के हुए भरत जी, यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, कान में मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र जाओ इसे याद करके सुनाना मुझे। तो भरत जी ने वो मंत्र तो याद कर लिया, लेकिन भरत जी सोच रहे हैं कि यदि मैंने पिताजी को ये मंत्र सुना दिया तो कल पिताजी सत्यनारायण की कथा पकड़ा देंगे, बेटा ऐसे याद कर लो, है वो हो गई तो परसों रुद्री पकड़ा देंगे, बेटा ऐसे याद कर लो, फिर गृहशांति पकड़ा देंगे, बेटा ऐसे याद कर लो, और जब सब याद हो जाएगा तो जाओ अमुक जजमान का विवाह कराओ, है अमुक जजमान की सत्यनारायण कथा कर दो। तो हम जिस संसार को त्यागना चाहते हैं हम पुनः उस संसार में फंस जाएंगे। इसलिए एक मंत्र जो एक क्षण में भरत जी को याद हो गया, लेकिन 1 महीने तक उन्होंने पिताजी को नहीं सुनाया। तो पिता ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि तुम बड़ा विद्वान होगा, लेकिन तू तो जड़ है, जड़ मानो मूर्ख, तू तो जड़ है। तो तब से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। पिताजी का प्रारंभ तो हो गया। अब घर में बड़े भैया और भाभी हैं, तो एक दिन भाभी ने कहा कि देखो ये आपके जो भाई हैं करते धरते तो कुछ है नहीं है, है? और जितना हम चार खाते हैं ये अकेले खाते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम दिन भर इनके लिए रोटियां ही बनाते रहे, और भी हमको अन्य काम है, या तो इनको कुछ करने के लिए कहो और या फिर इन्हें घर से बाहर निकालो, अब हम इनकी सेवा नहीं कर सकते। तो भरत जी के भैया ने कहा भैया तुम कुछ नहीं कर सकते, एक काम कर सकते हो, बिल्कुल सरल सा काम है, खेत में फसल खड़ी है और पशु पक्षी उस फसल को चुगते हैं, खाते हैं, तो तुम वहां बैठे बैठे उन पक्षियों को तो भगा ही सकते हो। अग्निपुरी मन्ना राम का रोलिंग सी बना था, जलम जल रहा है, जल चेंज नहीं। 2 घंटा है रेगुलर चलन, 2 बार में चल, बार बार परेशान कर रही कौन से बंद नहीं करवा। चल रही है जी, आओ चल रहे, देखो जी ये पानी से कर दे, देख देख नहीं रहा है, अपन देख रहे हैं जी पब्लिक देख रहे हैं, अड़तालीस मिनट की हो गई जाएगी घर है तुम कहाँ टे, हमें आप जन्म के पहले एक परात दे देना ऊपर, और तो हमें बता दें नहीं किसे रख लेना, तो हमें तो बता देना, दही रख लेना, तैयारी करवा और दही रख लेना, और जो भी हमने लड्डू वगैरह बने वो रख के रख लेना, तुम केले से यहीं बैठना, तुम कहीं जाना नहीं, मतलब बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तुम करो उससे बता दें, और जब डर होता है हम तैयार करवाऊँ लगे हैं फिर उसमें, और बता दिए लेकिन पहले संपर्क में रहिए, लेकिन आस पास आओ तो ही हमें तय बैठे, हेलो रख रहे हैं जो फोन रखने हैं, हाँ लाइव ही चल रही है, चल रही है फेसबुक ले देखे रहा चल रही है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की,
श्रीमद्भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत जी खेत में बैठे हैं और भरत जी ने देखा कि बहुत से पशु पक्षी आकर खेत की फसल को चुग रहे हैं। तो वहीं एक पेड़ पर एक घंटी लटकी हुई थी और उसमें बंधी थी रस्सी। तो भरत जी ने उन पक्षियों को भगाने के लिए उस रस्सी को पकड़कर घंटी को बजाया और जैसे ही भरत जी ने उस घंटी को बजाया तो उस घंटी से इतना मधुर स्वर निकला कि पहले तो 100-200 पक्षी फसल चुग रहे थे और जब घंटी के स्वर को सुना तो हजारों पशु पक्षी आकर खेत की फसल को चुग रहे थे। और भरत जी ने जब देखा हृदय गदगद हो गया। आहा, और भरत जी भाव विभोर होकर गाने, राम जी की चिड़िया राम जी के चले जा रहे थे तो उसी समय सामने से आ रहा था राजा दहुगण। तो राजा दहुगण की पालकी में, पालकी जो होती है वो चार व्यक्तियों से चलती है और रघुगुण राजा की पालकी का एक कहार बीमार हो गया तो अन्य तीन कहारों ने कहा, राजन अब ये पालकी हमसे नहीं चलाई जाएगी क्योंकि एक कहार बीमार हो गया है। तो राजा ने कहा कि देखो ये सारी की सारी हमारी प्रजा है और सबके सब हमारे सेवक हैं और तुम्हें जो भी मार्ग में मिल जाए उसी को पकड़ कर ले जाओ। तो सामने से आ रहे थे भरत जी, उन कहारों को और तो कोई नहीं मिला, भरत जी मिल गए। भरत जी को देखा, अच्छा हट्टा कट्ठा शरीर है, लंबे चौड़े भरत जी ये बढ़िया है और भरत जी को पकड़ा ले गए, पालकी में लगा दिया, कोई विरोध नहीं, कोई बात नहीं, चुपचाप भरत जी पालकी में लग गए और कंधे पर पालकी रखी हुई है, भरत जी चल रहे हैं। लेकिन भरत जी का एक नियम था, जब वो मार्ग में चलते थे तो सामने
दो धनुष की जगह देखकर चलते थे, मार्ग में कोई जीव मेरे पैर के नीचे आकर न मर जाए। भरत जी ने देखा बहुत सी चींटियां चली जा रही हैं, और जैसे ही चींटियों को देखा तो भरत जी छलांग लगाते हैं, और जब भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा का सिर पालकी में टकराया और चिल्लाकर बोलता, अरे मूर्खो भूल गए क्या मैं बैठा हूं। कहारों ने कहा, राजन हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो नया नया व्यक्ति है ना, पता नहीं कब छलांग लगा दे, क्या करे समझ में ही नहीं आती बात। थोड़ी देर और चले, फिर भरत जी ने देखा सामने बहुत से चीते जा रहे थे, फिर जोर से छलांग लगाई, फिर राजा का सिर टकराया, अरे तुमको एक बात समझ में नहीं आती, मैं बार बार कहता हूँ मुझे कष्ट होता है, ये पालकी मेरे सर में टकराने से मेरे सिर में कष्ट होता है, इतना हट्टा कट्ठा शरीर लिया हुआ है, है? खाते पीते नहीं हो, तुमसे ठीक से पालकी नहीं चलाई जाती क्या? राजा रघुवरण क्रोध में बोल रहा है, जड़ भरत ने मन में विचार किया, यदि आज नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि जिन भरत ने है जिस राजा को अपने कंधे पर उठाया वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। भरत जी जन्म से लेकर आज तक कभी मुझसे एक शब्द इन्होंने नहीं बोला, बोल सकते थे लेकिन मूर्ख की तरह आज तक एक शब्द इन्होंने अपने मुख से नहीं निकाला, लेकिन आज विचार करते हैं यदि आज मैं नहीं बोलता तो लोग कहेंगे कि जिसे भरत जैसे ऋषि ने अपने कंधे पर उठाया वो राजा रघुगण मूर्ख का मूर्ख रह गया, तो इस राजा के कारण आज मुझे बोलना होगा। भरत जी पालकी रखी है कंधे पर, और जब भरत ने पीछे मुड़कर राजा की तरफ देखा और जवाब दे रहे, राजन त्वयोदितं व्यक्तमवे प्रलब्धं भरतु सत्याद्य दधिवीर भारा गंतुर यदिं स्या दधिगम्य मध्वा पीवे तिरासो न विदरम प्रवादा। राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, राजन तुम कहते हो कि पालकी है तुमसे ठीक से नहीं चलाई जाती, तो भाई पालकी चलाने का परिश्रम तो उसे होगा जो पालकी चलाता है, और जो कभी पालकी चलाता ही नहीं है उसे पालकी चलाने का श्रम कैसे होगा? जमीन पर चलने का श्रम उसे होगा जो जमीन पर चलता है, और राजन जो जमीन पर चलता ही नहीं उसे जमीन पर चलने का श्रम कहां से होगा? दूसरी बात, तुमने कहा कि बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, तुमसे पालकी नहीं चलती, तो भरत जी कहते हैं स्थौल्यम तारसम व्याधय आधयश्च। राजन मोटा होना पतला होना लंबा होना छोटा होना ये तो शरीर के धर्म है, और राजन मैं शरीर नहीं हूं तो मैं मोटा कैसे हो सकता हूं, मैं शरीर नहीं हूं तो मैं पतला कैसे हो सकता हूं। तीसरी बात, तुमने कहा कि तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, तो राजन जीना और मरना ये दोनों समान है, जन्म लेना मर जाना मोटा होना पतला होना ये सब शरीर के धर्म है, भूख लगना प्यास लगना निद्रा आना तंद्रा का होना भय का होना ग्लानी का होना ये सब के सब शरीर है प्राण मन बुद्धि के धर्म है, और राजन मैं प्राण नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ मैं बुद्धि नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं तो अजन्मा है आत्मा हूँ, और आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, आत्मा न मोटी होती है न पतली होती है। जैसे ही राजा रघुगण ने इन शब्दों को सुना तुरंत कूद पड़ा पालकी से और दंड प्रणाम करता, भगवान क्षमा करना मुझसे अपराध हो गया मुझसे गलती हो गई, आप कौन हैं? मैं महर्षि कपिल के आश्रम में जा रहा था सांख्य शास्त्र का उपदेश सुनने के लिए, तो क्या साक्षात कपिल ही तो मेरे सामने नहीं खड़े हैं?
क्या आप साक्षात वेद व्यास तो नहीं है, कौन है आप? तो भरत जी ने फिर डांटते हुए कहा, राजन ये नाम तो शरीर का होता है और मैंने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मेरा भरत व्यास सुख ये कैसे नाम हो सकता है? राजा रघुगण ने कहा, देखो गुरु जी हमें आपकी बात समझ में नहीं आती है, इतनी बुद्धि तेज नहीं है हमारी है, सरल हिंदी में समझाने का प्रयत्न करें। राजा रघुगण भरत जी से प्रश्न करता है। राजा रघुगण कहते हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शरीर का संबंध किससे है? तो भरत जी ने कहा, देखो राजन शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है मन से, और मन का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। तो रघुगण ने कहा कि गुरुजी यही तो मैं कहना चाहता था जो आपने कह दिया। गुरुजी यदि शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध है मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि का संबंध आत्मा से है, तो जो कष्ट शरीर को होगा वो इंद्रियों को होना चाहिए, क्योंकि संबंध है। जो कष्ट इंद्रियों को होगा वो मन को होना चाहिए, जो कष्ट मन को होगा वो बुद्धि को होना चाहिए, और जो कष्ट बुद्धि को होगा वो आत्मा को होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का संबंध बुद्धि से है। रघुगण कहता है, गुरुजी हमने चूल्हे में आग जलाई, उस आग के ऊपर एक बर्तन रख दिया, उस बर्तन में पानी भर दिया और उन पानी में चावलों को डाल दिया। अब जब उस आग का ताप उत्पन्न हुआ तो उस ताप के कारण बर्तन गर्म हुआ, और बर्तन का संबंध पानी से है तो वो पानी गर्म हुआ, पानी का संबंध चावल से है तो वो चावल पककर तैयार हो गए। तो इसी तरह यदि आत्मा का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का मन से, मन का इंद्रियों से, इंद्रियों का शरीर से है, तो जो कष्ट शरीर को होगा वो आत्मा को होना चाहिए। भरत जी ने हंसते हुए कहा, राजन तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारे ही उदाहरण से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आत्मा को कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। राजन तुमने कहा हमने चूल्हे में आग जलाई, जला दो। तुमने कहा चूल्हे में हमने बर्तन रखा, रख दो। तुमने कहा पानी भरा, भर दो, बस हमारी तरफ से एक परिवर्तन कर दो। तुमने उस पानी में जो चावल डाले थे उन चावलों की जगह कंकड़ पत्थर भर दो और फिर आग जलाओ। हैं? चावल डालकर तुमने 15 मिनट आग जलाई और वो चावल पक के तैयार हो गए। अब तुम कंकड़ पत्थर भर के आग जलाओ, हैं? सुबह से शाम तक जलाओ, हैं? रविवार से शनिवार तक जलाओ, जनवरी से दिसंबर तक जलाओ, और एक वर्ष बाद आकर फिर मुझे बताओ उन कंकड़ों पर उस तेज का कुछ प्रभाव हुआ क्या? हैं? उन कंकड़ों में कोई परिवर्तन हुआ क्या? कंकड़ों का संबंध जल से है, जल का संबंध बर्तन से है, बर्तन का संबंध अग्नि से है, लेकिन उस जलती हुई आग के ताप का कोई भी प्रभाव उन कंकड़ों पर नहीं पड़ता। राजन ठीक उसी प्रकार इस शरीर में ये आत्मा रहती है, इस शरीर से इस आत्मा का संबंध है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी ये आत्मा शरीर से निलिप्त है, इसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। बहुत सुंदर उपदेश, बहुत सुंदर संवाद राजा रघुगण का भरत जी से चला। वहीं से रघुगण लौट गया और भरत जी चले जा रहे थे तो एक भीलों का राजा था, और उस भीलों के राजा ने अपने दूतों को, सिपाहियों को भेजा, जाओ हमें एक मनुष्य की बलि देनी है, यदि कोई मनुष्य मिल जाए तो उसे ले आओ। तो उन लोगों को भी भरत ही देखे, उन भीलों ने भरत जी को पकड़ा, राजा के सामने ले गए और भरत जी से बोल रहे हैं कि पता है कुछ क्षणों के बाद है तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी बलि दी जाएगी, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो। तो भरत जी ने कहा मरना तो है ही, भूखे प्यासे क्यों मरे, है अंतिम इच्छा यही है, कोई सात्विक भोजन हो तो हमें करा दो, उसके बाद बलि दे देना। भरत जी ने बड़ा सुंदर भोजन किया, ये पता है 1-10 मिनट के बाद हमें मरना है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं और भगवती चंडी के सामने बैठे हैं। और वो भीलों का राजा है बलि देने के लिए आया, भरत जी मन में भगवत स्मरण कर रहे हैं।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। Thank you.
कलयुग केवल नाम अधारा सुमति सुमति करो कर ही पारा। आप घर जाकर भजन करो है, करते हो कि नहीं करते हो ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम चाहते कि 3 घंटे यदि यहाँ बैठे हो तो हम 3 घंटे में 3-4 बार भजन गाते हैं, तो उतने समय तो आप भजन कर ही सकते हो, लेकिन बिल्कुल चुपचाप बड़ी शांति से सुन रहे हैं। शांति से नहीं सुनना है, भजन गाना है। कहीं सत्संग में बूढ़ी माता जाया करती थी कथा सुनने, और उनका नियम था कि वो जहां भी कथा हो कथा सुनने जरूर जाती थी। कोई नए नए व्यास जी आए हैं, जैसे हम पहली बार आपकी खड़ेरी में कथा करने आए, कथा करने पहली बार आए हैं, बाकी हम बचपन में खड़ेरी की गलियों में खूब खेले हैं। 4 वर्ष तक हमने इस गांव में अध्ययन किया है, और जिस स्कूल में बैठकर हम कथा कह रहे हैं इसी स्कूल में अध्ययन किया है, यानी आचार्य गणों के सानिध्य में हमने अध्ययन किया है। तो कथा कहने पहली बार आए हैं, तो वहां पहली बार एक कथावाचक आए, मैया पहुंची कथा सुन और सबसे आगे जाकर बैठ गई। अब कथा का नियम है कि सबसे पहले तो कीर्तन होता है। अब कथा शुरू हुई और प्यास जी ने कीर्तन गाया था, काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब सब तो कीर्तन गा रहे हैं लेकिन मैया नहीं गा रही है। क्यों? क्योंकि मैया सोच रही है कि यदि मैं कीर्तन गाती हूँ तो पाप हो जाएगा। कीर्तन गाने से पाप थोड़ा ही होता है, कीर्तन गाने से तो पुण्य होता है, लेकिन मैया सोच रही है कि पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पति का नाम है देवकी नंदन है। हमारे भारत की परंपरा कोई भी स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती, कोई भी स्त्री अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेती, तो मैया सोचती है कि यदि मैं नाम लेती हूँ तो पाप हो जाएगा, और कीर्तन नहीं करती तो भी पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते कीर्तन में बैठ कथा में बैठकर जो लोग भजन करते हैं उनके देह से पाप निकल जाते हैं, और जाते कहाँ हैं? बोले जो कीर्तन नहीं करते उनके सिर पर जाकर बैठ जाते हैं। तो मैया ने सोचा कि बड़ा धर्म संकट है, यदि कीर्तन गाए तो पाप होता है और नहीं गाए तो पाप होता है, लेकिन कुछ भी हो जाए कीर्तन तो हम करेंगे। अब व्यास जी ने वहां से गाया कि काली अमर्दन कंस निकंदन और देवकी नंदन तब शरणम। मैया ने यहाँ से गाया कीर्तन तो गाएंगे, कुछ भी हो जाए पाप नहीं करेंगे। तो मैया ने क्या किया, तो मैया बोल के काली अमर्दन कंस निकंदन और पप्पू के पापा तब शरणम है। कीर्तन भी हो गया और
पति का नाम भी नहीं लिया, तो इतने बड़े धर्म संकट में माता ने रास्ता निकाल लिया और कीर्तन गाया है। आप तो किसी धर्म संकट में नहीं है, स्वतंत्र बैठे हैं। हम जब भी गाएं गाने का प्रयत्न करो, भगवत भजन जितना अधिक से अधिक होगा उतना हमारा कल्याण होगा। कली के कलमसों को नाश करता है भगवान नाम। भरत जी बैठे हैं और जैसे ही उस भील ने भरत जी की बलि देने के लिए अस्त्र को उठाया, उसी समय उस पत्थर की मूर्ति से भद्रकाली प्रकट हो गई और उन भीलों का संहार करके भरत जी की रक्षा करती। सुखदेव जी कहते हैं राजन भरत, हमारी भूमि पर तीन भरत हुए, एक है कैकेयी कुमार श्री भरत, दूसरे हैं श्रीमद् भागवत के जड़ भरत और तीसरे हैं शकुंतला दुष्यंत नंदन श्री भरत। इन तीनों भरत के नाम के कारण इस भूमि का नाम पड़ा भारत और ये ऐसी पवित्र भूमि है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी पर सात दीप हैं, लेकिन इन सात दीपों में एक जम्बुद दीप है और उस जम्बुद दीप में नौ वर्ष हैं और नौ वर्षों में एक भारत वर्ष है और ये भारत वर्ष ऐसा है कि स्वर्ग के देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अहो हमीसा किम कार्य शोभनम प्रसन्नेषां स्वदितं स्वयं हरि एर्जन्म लब्धं नृसुभारताजरे मुकुन्द सेवो पैकं स्प्रहायिना। स्वर्ग के देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जब हमें स्वर्ग से निकाला जाए तो भारत भूमि में हमें जन्म देना, क्योंकि स्वर्ग में हम और आप जिस स्वर्ग की कामना करते हैं वो स्वर्ग हमें सदा को नहीं मिलता है। छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, हम स्वर्ग में जाते तो हैं लेकिन स्वर्ग में कब तक रहते हैं? बोले जब तक हमारे पुण्य हैं तब तक हम स्वर्ग में रहते हैं और जैसे ही हमारे पुण्य समाप्त हुए धक्के मारकर हमें स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। तो वो देवता जो स्वर्ग में रहते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान एर जन्म लब्धम है नृसुभारिता जरे इस भारत भूमि में हमें जन्म मिले, ऐसी ये पवित्र भूमि जिस भारत भूमि में हमें और आपको जन्म मिला और उसमें भी बड़े भाग्य के मनुष्य का जन्म मिला है। तो यदि ये सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये भारत भूमि प्राप्त हुई है, ये मानव तन प्राप्त हुआ है, तो ये बार बार मिलने वाला नहीं है। जितना हो सके अधिक से अधिक भगवत भजन करो और भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति करने का प्रयत्न करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हमारे भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 84,00,000 नरक हैं। जितनी योनियां हैं उतने ही प्रकार के नरक हैं, लेकिन इन 84,00,000 नरकों में 28 प्रकार के विशेष नरक हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आदमी जब पाप करता है तो यम के दूत गले में रस्सी डालकर उसे नरक ले जाते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, कुंभी पाक, कालसूत्र, असी पत्र है, जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, जो दूसरे के साथ धोखा करता है, उसे तामिश्र नामक नरक में डाला जाता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पने का प्रयत्न करता है वो अंध तामिश्र नाम के नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा करता है, किसी से द्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति रौरव नाम के नरक में जाता है। और जो व्यक्ति हिंसा करता है वो व्यक्ति कुंभी पाक नामक नरक में जाता है।
राजा ने पूछा, गुरु जी ये कुंभी पाक नामक नरक क्या है? तो आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बहुत बड़ी भट्टी जल रही है और उस पे एक बहुत बड़ा कड़ाहा है जिसमें हजारों मन तेल भरा हुआ है और जलती हुई आग में घोलते हुए तेल में उस जीव को डाला जाता है जिसने निर्दोष जीवों की हत्या की। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी एक बात कहें, कभी कभी जाने अनजाने भी हमसे निर्दोष जीवों की हत्या हो जाती है। हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा कोई जीव मारा जाए, लेकिन जब हम मार्ग में चलते हैं न जाने कितने ऐसे जीव जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते और वो हमारे पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। गुरु जी घर में माताएं जब भोजन पकाती हैं वो नहीं चाहती कि हमसे जीव हत्या हो, लेकिन उन लकड़ियों में उन कंडों में न जाने कितने ऐसे जीव होते हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते और भोजन पकाते समय घर में झाड़ू लगाते समय उन निर्दोष जीवों की हत्या होती है। तो अनजाने में हमसे जो जीव हत्या हुई है क्या उसके बदले भी हमें नरक जाना पड़ेगा? और भगवान ऐसे अनजाने में की हुई जीव हत्या से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय नहीं है क्या? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अधम धुनवंती कात्सेनो निहार। राजन केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, एक भगवान नाम है कि जिनके नाम लेने से जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप भी नष्ट हो सकते हैं। यदि हृदय से एक बार भगवान नाम उच्चारण किया जाए तो उस एक नाम में इतनी सामर्थ है कि हजारों जन्मों के पाप को वो नष्ट कर सकता है, लेकिन वो नाम हृदय से लिया जाए, ऊपर पट्टी नहीं। हृदय से यदि भगवान नाम उच्चारण किया जाए, श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक यदि भगवान नाम उच्चारण किया जाए तो भगवान का एक नाम हजारों कलमशों को नाश करने वाला है। काशी में तुलसी घाट है, जो लोग गए होंगे, बाबा तुलसी उसी घाट पर कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन सवेरे सवेरे गंगा में स्नान करने गए और बाबा ने देखा कि एक कोड़ी व्यक्ति बैठा है, बड़ा उदास है। बाबा ने पूछा, भैया क्या बात है? तो उस कोड़ी ने कहा कि बाबा इस भारत में जितने वैद्य हैं सबकी औषधियां मैं ले चुका, लेकिन ये कोड़ ठीक नहीं होता और इतना कष्ट है कि अब सोच रहा हूँ कि गंगा में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दूं, अब ये कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। बाबा ने कहा कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, हैं गंगा में डुबकी लगाओ, एक बार हृदय से भगवान राम को पुकारो, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। उसने हंसते हुए कहा, बाबा हैं हंसी कर रहे हो हमारी, व्यंग कर रहे हो हमारे साथ, हैं न जाने कितने गद्यों की दवा कराई, न जाने कितने पंडितों से सवा करोड़ सवा लाख महामृत्युंजय जाप कराया, लेकिन कोढ़ ठीक नहीं हुआ और आप कहते हैं कि एक बार राम को ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, हृदय से दीन बनकर करुणा से यदि उसे पुकारोगे तो एक बार पुकारने से तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम करुणा निधान है, उसका नाम दीन दयाल है, और जब तुम दीन बनकर पुकारोगे तो वो दीन दयाल सुन लेगा, जब तुम करुण होकर पुकारोगे तो वो करुणावान सुन लेगा। एक बार हृदय से उच्चारण करो, तुम्हारा कोढ़ ठीक होगा। उस व्यक्ति ने गंगा में डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर पुकारा, हे राम। बाहर निकल के देखा, बाबा कोढ़ तो ठीक नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं, तुमने हृदय से नहीं पुकारा, तुमने दीन होकर नहीं पुकारा, तुमने करुण होकर नहीं पुकारा, फिर पुकारो। फिर उसने गंगा में डुबकी लगाई, फिर बाहर निकला, बाबा हैं कोढ़ तो ठीक नहीं होता, मैं जान गया तुम हंसी कर रहे हो ना हमसे। बाबा ने कहा, अंतिम बिल्कुल लास्ट फाइनल, इस बार तुम डुबकी लगाओ और यदि इस बार तुम ठीक नहीं हुए तो मैं भी तुम्हारे साथ गंगा में प्राण त्याग दूंगा। और जैसे ही उस व्यक्ति ने गंगा में डुबकी लगाई तो बाबा तुलसी ने गंगा के अंदर ही उसके सिर को पकड़ लिया।
और गंगा के अंदर जब सिर को पकड़ा है, सांस लेने में दिक्कत हुई, परेशानी हुई, अप्पू छटपटाया, अप्पू घबराया और घबराते हुए फिर उसने पुकारा, हे राम। और जैसे ही बाहर निकला, शरीर को देखा, कोर बिल्कुल ठीक हो गया। तो कहने का भाव, दीन बनकर, करुण बनकर एक बार भी यदि हृदय से उस परमात्मा को पुकारोगे हैं, तो जन्म जन्मांतरों के कलमश नष्ट हो सकते हैं। राजन एक मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तत् गुणरागैः नातेयमं आस्भृत तद्भटां स्वप्ने विपश्यन् राजन सक्रम मन कृष्ण पदारविंदयो। एक बार मन को भगवान के चरणों में लगा दो, साक्षात तो ठीक है, स्वप्न में भी हमके दूत नहीं आ सकते, है स्वप्न में भी नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी तरह मन को भगवत चरणों में लगाओ तो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक पंडित जी थे कन्नौज में, जिनका नाम था अजामिल, बड़े पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। एक दिन पंडित जी